शिक्षक अनवरतकार कर रहे हैं उनको हम टीटी से छूट दे रहे हैं। यदि यावलिक शिक्षा मित्र हो गया होता तो 1,70,000 शिक्षा मित्र आज बेघर ना होता। माननीय मंत्री जी, ये आपकी त्रुटि है, इस नाते आप पैरा चार में हमको सम्मिलित कर दीजिए। भाई दीनानाथ दीक्षित जी, अवनीश भैया, शिव कुमार भैया, सारे लोगों ने बहुत पुरजोर तरीके से अपनी बात को ही रखे। उसके बाद माननीय साई जी कहे कि आप ही मंत्री जी कहे थे कि हमारी सरकार यूपी में बनवा दीजिए, मेरा खजाना खुल जाएगा, और आज आपकी सरकार हमें यूपी में बनवा दिए तो आपका खजाना बंद हो गया है। इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी चीज, हम लोगों उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपको 10,000 रुपए दे रही है। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, 1 घंटे 20 मिनट बात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, लेकिन सामने प्रत्यय वेतन लेते हैं और कहे 5 कमेटी हम गठित कर रहे हैं, हम विचार करेंगे, और बाद में पीठ पीछे वो 10,000 रुपए पास कर देते हैं कैबिनेट से। उस 10,000 को हम लोग वापस कर चुके हैं, हमको 10,000 नहीं चाहिए। कहे आप पहले कितना पाते थे, शिव कुमार भैया बताए 39,157 रुपए। साई जी कहे हम 3 साल से अध्यापक हो चुके। माननीय मंत्री जी तो कहे ऐसा है कि पूरा प्रकरण हमारे संज्ञान में आ गया है और ये सर्वोच्च न्यायालय का लेटर है। हम कहे उसमें अवनीश भैया ने स्पष्ट रूप में कहा कि माननीय मंत्री जी कहीं इसमें नहीं है कि शिक्षा मित्र को 10,000 दिया जाए, कहीं इसमें नहीं है कि शिक्षा मित्र को हटा दिया जाए, सब राज्य सरकार को ऊपर छोड़ दिए हैं। उस पर उन्होंने कहा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय का जो आर्डर है अभी देखा नहीं हूँ, मैं अपने लोगों को बुला के इस पे अध्ययन करूंगा और अध्ययन करने के बाद अपने मंत्रिमंडल की मैं मीटिंग बुलाऊंगा और मीटिंग बुलाने के बाद मैं इस पर विचार करूंगा, आप लोग वहां से प्रस्ताव प्रयास करो कि आ जाए। उन्होंने इतना कहा, इतने में कहे मंत्री जी आप सुनिए तो, साई जी कहे आप मंत्री जी बात सुनिए, अगर उनको प्रस्ताव भेजना ही होता तो हम यहाँ क्यों आते। इस पर वो कहे हमको कैबिनेट की मीटिंग में जाना है, हमारी बहुत विशेष मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ और आपकी बात सुन लिया हूँ, मैं इस पर विचाराधीन हूँ, आपके आपकी दुख दर्द में साथ हूँ, सहानुभूति है और हमको समय दो, मैं इस पर निर्णय लूंगा। साथियों, उससे हम लोग ना खुश थे, यही कारण था कि हम रोड पे उतरे, यही कारण था गिरफ्तारी हुई। दूसरी चीज, आगे क्या करना है, आप सबको कैसे करना है, लेकिन मैं एक चीज साथियों कहूंगी कि होश में जोश को बनाए रखना चाहिए, लेकिन जोश में होश को कभी खोना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, इस सरकार को हम एक चीज से झुका सकते हैं, सिर्फ वोट, वो अभी थोड़ा दूर है इनसे। इस नाते आज प्रधानमंत्री जी हमारी बात नहीं सुने हैं, जरूरत उस दिन की है, खूब खाओ पियो, अपने आप को मजबूत करो, निराशा बिल्कुल मत आने दो, आंखों में आंसू मत आने दो, और अपनी बहनों से कहना चाहेंगे चंडी का रूप रखो, बस ज्यादा से ज्यादा 4 महीना, और आज के बाद गिनो 4 महीना, उसके बाद पहला 4 में संशोधन भी होगा, हम सहायक अध्यापक भी बनेंगे, OBTT मुक्त, लेकिन उसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं शिव कुमार भैया को दे रही हूँ, आप अपना अग्रिम, चूंकि प्रदेश के नेता आप हो, प्रदेश संरक्षक हो, आप प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारे गाजी भैया, तीनों लोग मिलकर जो निर्णय लिए, ये मेरी व्यक्तिगत है, क्या व्यक्तिगत निर्णय हमारा ये है कि आज मेरे साथी हम 4 दिन से बैठे रह गए, चाहे वो हमारा प्रेशर समझ लो, चाहे पुलिस अधिकारियों का सपोर्ट समझ लो, तब जाकर आज जावेदकर जी 15 मिनट बाद हमसे किए हैं। साथियों, मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ रहा है, यह शासन सत्ता को हम देख चुके हैं, मैं लाली पापा को नहीं देना चाहती हूँ। आज 1,70,000 हमारा मरेगा यहाँ, फिर भी प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी साथी, कि हम मरेंगे नहीं, हम 1,70,000 मिलकर शपथ लो, यदि सहायक अध्यापक पद पुनः वापस नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का हम पतन करेंगे पूरे देश से। ये पार्टी धोखेबाज है, सही का, चलिए